बढ़िया क्या बात हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आधी आबादी और बराबर का हक, तो वुमनहुड जो है वो सेलिब्रेट हमेशा करते रहना चाहिए। उनकी शक्ति कहीं और से नहीं, हमारे अंतर से आनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज फील दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज अ गिवन थिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द वुमेन सो दैट वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट द सोसाइटी। I'm extremely honored and happy that Osianama is organizing this festival on womanhood and Jai Gangaajal, which also has a woman as the main protagonist, is being shown here, and my best wishes to Osianama. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह के जो इवेंट होते हैं बहुत कम होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर नेविल तुली एंड ओसियनामा फॉर ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट इन मुंबई। एंड दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आकर फ्री में मूवीज़ देख सकते हैं, वर्ल्ड की नंबर वन और ऐसी फिल्म जो बहुत अच्छे टॉपिक्स पे होते हैं। कई बहुत अच्छी फिल्में होती हैं जिनको एक होता है ना कि ऑडियंस नहीं मिल पाती है, तो उन फिल्मों को यहाँ पे लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स, ऑल द एक्टर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। एंड टुडे दे आर स्क्रीनिंग गंगाजल, विच इज़ लाइक ऑलरेडी अ फेमस वन विद यू नो स्टार कास्ट प्रकाश झा एंड प्रियंका चोपड़ा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड दिस फेस्टिवल। सीरियसली इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत कम फिल्म मेकर हैं जो एक वुमेन को लेके फिल्म बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन को लेके फिल्म्स आज भी हमारी जो इंडिया की सोच है, एक एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स वो लोग देखना चाहते हैं। बट मेकिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज एंड शोइंग दिस काइंड ऑफ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स इन अ थिएटर, इट्स अमेजिंग। मुझे ये सोच बहुत पसंद है बिकॉज आई एम अ वुमेन and I have done a film which is also a woman oriented film, Tara. तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का नेविल जी ने एक decision लिया है। बहुत खूबसूरत सोच है, बहुत अच्छी सोच है। See, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही है और वुमनहुड के ऊपर हो रही है, आज महिलाएं बहुत आगे निकल रही है, तो ये जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है और ऐसी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। आई एम सो वेरी हैप्पी कि ऐसे फेस्टिवलों को प्रमोट किया जाता है, तो इट इज़ अमेजिंग थिंग और ये चीज़ हमेशा के लिए रहनी चाहिए। और वुमनहुड पर जितनी भी पिक्चर बने वो हमेशा हमेशा के लिए एक सीख होती है सारी उस महिलाओं के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो औरतों को एक चीज़ समझते हैं या एक नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं, तो उसके लिए एक सीख होगी कि भाई प्लीज़ 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 आज लड़कियां भी आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो उनकी इज्जत करो, उनको प्यार करो। सी नेविल तुली एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने हमेशा से फिल्म्स को प्यार किया है, हमेशा से आर्ट को प्यार किया है, तो उन्होंने जो ये सोची है कि वर्ल्ड सिनेमा फ्री होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। फ्री होने के साथ साथ उन सब लोगों तक सिनेमा पहुंचना चाहिए जिन लोगों तक सिनेमा नहीं पहुंच रहा है, और वर्ल्ड सिनेमा हम सब लोगों तक पहुंच रहा है, और ये जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं नेविल तुली साहब, तो उसके लिए हैट्स ऑफ। ऐसी कोशिश है सब लोगों को करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। इट इज़ अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही सुंदर थॉट है, ऐसा सोचना और ऐसी चीज़ को एक्सेसिबल बनाना सबके लिए फ्री में, इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड थॉट। और द फैक्ट दैट ऐसा हो रहा है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट्स ग्रेट। आई एम ऑनर्ड, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई फील लाइक जो भी यहाँ आ सकता है और यहाँ पे सहयोग ले सकता है उनको करना चाहिए। आई थिंक सोचने के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा थॉट है और हम सबको उनका साथ देना चाहिए और जैसे आप कर रहे हैं सबको इसके बारे में बताना चाहिए ताकि सब आके एक्चुअली उनका जो मोटिव है उसको सक्सेसफुल कर सकें। इट्स ग्रेट, इट्स प्रकाश एंड प्रियंका चोपड़ा, मानव कौल, आई थिंक द बेस्ट कास्ट, और इन सबको एक साथ स्क्रीन पे देखना और अगेन जो वुमेनहुड है उसकी पावर को इतनी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना स्क्रीन पे, सो आई एम एक्साइटेड। देखते हैं मूवीज, लेट्स एंजॉय। जैसे मैंने सुना मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एनकरेजिंग इनिशिएटिव फॉर सिनेमा लवर्स और सिनेमा मेकर्स,
क्योंकि जो सिनेमा बनाते हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाता और यू नो फिर वो कहीं किसी कंट्री के पार्ट में अपने देश के पार्ट में रह जाता है, तो वो बांटने का और क्या कहते हैं एक तरीके से स्प्रेड करने का, गुड सिनेमा स्प्रेड करने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एंड आई रियली कंग्रेचुलेट ओशियानामा फॉर व्हाट दे आर डूइंग। अगर अच्छी सिनेमा बनती है और वो यू नो एक कुछ लोग तक ही सीमित रह जाती है तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मेरे ख्याल से अगर ये इनकरेजमेंट है फॉर गुड सिनेमा कि वो लोग आए देखें और डेफिनेटली अपने व्यूज़ अपने एक मतलब कुछ एक एक्सपीरियंस ले जाए अपना यू नो साथ में, सो इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। मैंने कभी आज तक इसके बारे में कभी सुना नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया है, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट। ये बहुत अच्छी बात है, ओशन से मैं जुड़ा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ काम करते हैं, इवन तुल्ली जी भी मेरे दोस्त है, और ये बहुत अच्छी बात है, अलग सिनेमा दुनिया का जो दिखा रहे हैं यहाँ, और सभी को मौका मिलता है पिक्चर देखने का, सिनेमा देखने का, फिल्में देखने का, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, जो मौका यहाँ मिल रहा है। ये सोच बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई फिल्में जो होती है रोज़ बॉक्स ऑफिस में नहीं आती, कई फिल्में जो आप मिस कर जाते हो, कई फिल्में उतनी रिलीज बड़ी स्केल पर नहीं हो पाती, और लोगों को एक अच्छा सिनेमा दिखाना ये ज़रूरी है। सिनेमा ज़रूरी नहीं कि 100 करोड़ का हो, सिनेमा कोई भी हो, हर एक को एक अपना एक जैसे वो आर्ट, उनकी एक आर्ट ऑक्शन हाउस है, वो एक आर्ट को एग्जिबिट करते हैं, तो सिनेमा को भी एक आर्ट है, उन्होंने उस तरह उन्होंने उसको एग्जिबिट किया है, तो एक काबिल तारीफ है। मैं बहुत सारे पीछे देखी नहीं, मैंने काफ़ी इसकी प्रमोशन देखे, और ज़रूर देखना है कि कैसे वो यहाँ पुलिस वालों को ट्रेन करके वहाँ FBI में ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग हुआ पिक्चर देखना है, काफ़ी सुना है पिक्चर, काफ़ी टाइम से सुना है पिक्चर के बारे में, तो आज मैं बहुत खुश हूँ पिक्चर देखने वाला हूँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सिर्फ नेविल तुली कर सकते हैं ऐसा, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, पैसे के लिए नहीं, वो सिर्फ शौक़ के लिए कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलता है, हम लोग बहुत से लोग आते हैं मगर किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, मगर इंशाल्लाह एक दिन तो ज़रूरी उनको सफलता मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को जो अच्छा ये पूरे देश को तो नहीं पसंद आता या ऑडियंस वैसी नहीं है, मगर जो सिलेक्टिव ऑडियंस है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन जिन को चाहिए वो लोग आते हैं, तभी तो नेविल तुली हर हफ्ते हर महीने हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो और बस यही दुआ है कि ये चलता रहे।